देखो भाई, जब भी कोई ऐसी रियल प्रॉब्लम आती है ना, तो आपका भाई रहता है ना यूट्यूब पे एक ऐसी वीडियो बना के डाल देता है, और सिर्फ डालता ही नहीं, पूरा उसका प्रॉब्लम का वीडियो का रिकॉर्डिंग करके उसका सॉल्यूशन भी आपको चेक करवा के पूरा उसी तरह का वीडियो यूट्यूब पे डालते रहता है आपका भाई, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत मिलता है और आप हमारे हमारे वीडियो को अच्छे से देखते हैं और पूरा देखते हैं। इसके लिए आपका भाई है जो जो प्रॉब्लम भी आती है उसका पूरा रिकॉर्डिंग करके है जो यूट्यूब पर डाल देता है। तो आज कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम एक हमारे साथ मौजूद है, और इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपका जब भी डायल पैड है वो ओपन नहीं होता है और आप किसी को कॉल नहीं कर सकते हो। तो एक बार मैं प्रॉब्लम आपको दिखा देता हूँ कि प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है। इस समय मेरे पास मोबाइल मौजूद है वो कस्टमर का, जो है मोटोरोला का। वैसे कोई भी मोबाइल में ये आ सकता है, क्योंकि ये जो गूगल का डायल पैड है वो किसी और ऐप को डाउनलोड इंस्टॉल आपके मोबाइल में हो चुका है, जैसे ट्रू कॉलर हो या जो भी एक्स्ट्रा ऐप होते हैं जो कॉलर आईडी के, वो इंस्टॉल होने के बाद में ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये जब भी इसको डायल पैड का नंबर दबाने का बटन वाले को ओपन करते हैं तो सेट फोन एज डिफ़ॉल्ट, तो वो गड़बड़ा गया है मेरे दोस्त, इसके लिए आपको ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक सेट एज डिफ़ॉल्ट भी अगर कोशिश करते हैं दोस्तों, तो आप ये भी ओके नहीं हो रहा है, तो आप कैसे करेंगे दोस्तों? ये प्रॉब्लम आपको बहुत मुसीबत बनी, आप किसी को फ़ोन करने जा रहे हो और फ़ोन भी नहीं हो रहा है। दोस्तों इस मोबाइल में आईकॉन करके ऐप है, ये ऐप इंस्टॉल कर दिया इस बंदे ने और परेशान हो चुका है, और मेरे पास आया तो मैं इसका सॉल्यूशन है जो इसको करके देने वाला हूँ, और साथ ही साथ इसका वीडियो भी बना के यूट्यूब पर डाल दूंगा ताकि आप लोगों का हेल्प हो जाए और आप लोग इसी तरह के वीडियो देख के आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सेटिंग में जाऊँगा और सेटिंग में जाके है जो इसको है डिफ़ॉल्ट ऐप में है जो गूगल का डायल पैड है उसको मैं यहाँ पे इसको सेटर्स डिफॉल्ट करने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे सेटिंग में जाने के बाद में आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट फ़ोन ऐप आपको यहाँ पे सर्च करना है, स्पेलिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो आइकॉन के ऊपर आइकॉन या ट्रू कॉलर के ऊपर टिक मार किया होगा ना, आप उसको फ़ोन सिस्टम का डिफ़ॉल्ट ऐप होना उसको ओके करना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इसको ओके कर दिया है, और बस अब मैं बैग जाने वाला हूँ और एक बार चेक करने वाला, वो भी आपके सामने। तो पूरा वीडियो आपके सामने बनाऊंगा प्रॉब्लम का और सॉल्यूशन दोनों का भी, ताकि आपको पक्का विश्वास हो सकता है आपका भाई पक्का वीडियो 100% जेन्युइन बनाता है, मैं कोई डमी वीडियो नहीं बनाता हूँ। देख सकते हैं आपका यहाँ पे कीबोर्ड जो ओपन हो चुका है, आप किसी को फ़ोन आसानी से कर सकते हैं। तो किस इसी तरह का प्रॉब्लम आपको अपने मोबाइल में देखने को मिलेगा, चाहे आपका कोई भी मोबाइल हो मेरे दोस्त, आपको डिफ़ॉल्ट जो कॉलर डायल पैड है वो गूगल का है सेट कर देना, सिस्टम का जो साथ में आता है उसी को आप सेट कर देना है मेरे दोस्तों। ये करने के बाद में आपका सेटिंग सही ठीक हो जाएगा और आपका है जो फ़ोन करना बहुत आसान हो जाएगा और आप आराम से फ़ोन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वास्तव में आपका प्रॉब्लम इस वीडियो को देखने के साथ ही ख़त्म हो गया है, तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो आपका भाई आपको डालता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।